So now we know that how the reflection take place through a glass prism. Okay, we know the ray diagram also, and also angle of deviation जो है हमारे पास, angle of deviation का ही formula आ गया हमारे पास, delta is equal to I plus E minus A. Also we know by this graph that when the angle of deviation is minimum, so angle of deviation is minimum when I is equal to E. जब I की value क्या हो, E के बराबर हो, ठीक है, E के इक्वल हो, है ना. तो अभी हमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, सो हम लेते हैं कि लेट लेट म्यू इज अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म मटेरियल. ठीक है, म्यू क्या है, जो अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, म्यू क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ऑफ अ प्रिज्म मटेरियल. जो प्रिज्म है उसके मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले लिया, म्यू ले लिया. एंड कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन आर. ठीक है, कंडीशंस ऑफ मिनिमम डेविएशन आर. तो मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, इसमें है कि मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, व्हेन व्हेन द प्रिज्म इज इन अ पोजिशन, व्हेन अ प्रिज्म इज इन अ पोजिशन. ठीक है, व्हेन द प्रिज्म इज इन अ पोजिशन डेट आर रिफ्रेक्टेड रे. ठीक है, डेट आर रिफ्रेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू बेस. ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन कब होती है, जबकि प्रिज्म इस पोजीशन में होता है कि जो रिफ्रेक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल हो. ठीक है, और अगर रिफ्रेक्टेड रे जो है वो बेस के पैरेलल होती है, तो एंगल ऑफ, देखो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की एक कंडीशन तो ये है ही सही, आई प्लस ई, ओ सॉरी आई इज इक्वल टू ई, ये तो हमने फाइंड आउट किया ही हुआ है. और थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, आर इज इक्वल टू आर डैश. सो दीज आर द कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, या कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन भी आप कह सकते हो. तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में क्या होता है कि व्हेन द प्रिज्म इज इन अ पोजीशन दैट अ रिफ्रेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू बेस. ठीक है, प्रिज्म का जो बेस है उसके क्या हो, पैरेलल हो. और सेकेंड पॉइंट जो इसमें है, आई इज इक्वल टू ई होगा. और थर्ड पॉइंट ये है, आर इज इक्वल टू आर डैश होगा. ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, जो आपने जो प्रिज्म ले रखा है उस प्रिज्म का जो मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू, म्यू और डेल्टा एम में हमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है. ठीक है, तो देखो आप, लेट सी हियर दैट वी नो दैट एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू हाउ मच, आर प्लस आर डैश. ठीक है, देखो आप यहाँ पर ये निकाला हुआ है अपन ने इक्वेशन 2. इस इक्वेशन 2 से क्या है, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश है. नाउ फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या केस है हमारे पास, आर इज इक्वल टू आर डैश. ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या, आर डैश है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2R कर सकता हूँ, और ए इज इक्वल टू 2R कर दूं तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, a/2 आ जाएगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है, या कंटिन्यू कर देते हैं हम प्रीवियस से, ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई थी तो इसको फोर्थ इक्वेशन कर देते हैं हम. ठीक है, फोर्थ इक्वेशन आ गई समझ में. नाउ लेट सी, वी हैव अनदर रिलेशनशिप दैट डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. वी हैव दिस रिलेशन आई डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. नाउ व्हेन आई इज इक्वल टू ई डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, है कि नहीं. जब आई की वैल्यू ई के बराबर है, व्हेन द आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम हो जाएगा. इसको जो मिनिमम है इसको ऑनली डेल्टा एम से शो कर देते हैं अपन. ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बात कर रहे हैं अपन. तो यहाँ से आप देखें डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू आप देखो आई की वैल्यू ई रख दो तो ये हो जाएगा 2i, सो इट विल बी इक्वल टू 2i माइनस ए. तो 2i माइनस आई ए आ गया, और आई इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एम. ठीक है, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाय 2. ओके, सो दिस विल बी अवर फिफ्थ इक्वेशन. फिफ्थ इक्वेशन आ गई.
नाउ बाय स्नेल्स लो, आई कैन राइट बाय स्नेल्स लो, बाय स्नेल्स लो, बाय स्नेल्स लो, व्हाट वी कैन राइट, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये बताओ मुझे, तो हो जाएगा ना, स्नेल्स लो से म्यू इज हाँ सर इक्वल हो टू जाएगा। साइन आई बाय साइन आर कर सकते हैं अपन, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, आई और आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी हुई है वो पुट कर दो, सो व्हाट यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू साइन, ठीक सर ये फॉर्मूला तब है। लगेगा ना जब अपन एयर से एंटर करवा रहे हो। हाँ एयर से एंटर करा रहे ना ऑब्वियसली, ठीक है, तो म्यू टू बाय म्यू वन कर दोगे, म्यू वन तो आपका एयर है, ठीक है, और म्यू टू आप म्यू कर देना, ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू आपका आ गया। वैसे भी एंगल चेक कर लो ना, आप तो आई और आर ले रहे हो ना, देखो ना आप एंगल का ले रहे हो, आई और आर ले रहे हो ना, तो आई और आर जब आप एंगल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एयर से आप कहाँ जा रहे हो, ग्लास में या जो भी मटेरियल है हाँ डेंसर इसलिए मीडियम पूछा में जा सर रहे मैंने। हो, हाँ तो एंगल पे आप ध्यान रखो, आई और आर एंगल ले रहे हो ना आप यहाँ पे, ठीक है, तो वन से टू में जा रहे हो तो म्यू टू वन आ जाएगा, म्यू टू वन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर आ जाएगा, और म्यू टू वन को क्या लिख सकते हो आप, म्यू टू बाय म्यू वन लिख सकते हो, म्यू टू आपका म्यू हो जाएगा और म्यू वन क्या एयर है, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास साइन, अब आई की वैल्यू पुट कर दें आप, आई की वैल्यू आपके पास क्या है, डेल्टा एम प्लस ए, ठीक है, डेल्टा एम प्लस ए एंड डिवाइड बाय टू, ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, एंड डिवाइड कर दें यहाँ पर साइन आर का, आर इज हाउ मच ए बाय टू, तो सो दिस वैल्यू इज ए बाय टू, सो दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यू विल गेट, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्रिज्म और द प्रिज्म, सिंपली आप प्रिज्म मटेरियल जो है उस प्रिज्म मटेरियल का जो प्रिज्म जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आपका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाय टू एंड साइन ए बाय टू, ठीक है, तो ये आ गया, इसको नंबर अपन कर देते हैं इक्वेशन को, सिक्स नंबर इक्वेशन आपको मिल जाएगी, तो ये रिलेशनशिप हमने स्टेब्लिश करी, ये सिक्स इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं, ये रिलेशनशिप फाइंड आउट अपने पास हो गई फाइनल, रिलेशन बिटवीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाय टू एंड साइन ए बाय टू, ठीक है। अगर हम थिन प्रिज्म की बात करें, फोर फोर थिन प्रिज्म, ठीक है, फोर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म होगा तो उसके एंगल भी स्मॉल होंगे, और एंगल स्मॉल होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है कि नहीं होता, अगर स्मॉल एंगल्स हैं, थिन प्रिज्म है तो थिन प्रिज्म में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल एंगल्स होंगे, तो स्मॉल से एंगल होंगे तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं मैं, तो यानी यहाँ पर क्या जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए एंड डिवाइड बाय टू, तो ये आ गया, ठीक है, एंड डिवाइड बाय इसको आप कर देंगे ए बाय टू, तो ये ए बाय टू हो गया, ठीक है, इसको आगे और सॉल्व टू करें से तो टू कट देखें जाएगा। डेल्टा एम प्लस ए ही आ जाएगा आपका, ठीक है, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाय टू इंटू ये हो जाएगा आपके पास ए बाय टू, इस टू से टू को कैंसिल कर देना, ठीक है, व्हाट यू विल गेट म्यू ए इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा एम प्लस ए, ओके, एंड फ्रॉम हियर डेल्टा एम इज इक्वल टू हाउ मच ए एंड म्यू माइनस वन, ठीक है, तो थिन, ठीक है ना, डेल्टा एम है म्यू ए माइनस ए हो जाएगा, ए कॉमन लेना है तो म्यू माइनस वन हो जाएगा, तो अगर थिन प्रिज्म है, इफ यू हैव अ थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म में जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, सेवेंथ इक्वेशन कर देते हैं, ये फॉर्मूला आएगा आपके पास डेल्टा एम इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, ठीक है, आया समझ में, तो थिन प्रिज्म के लिए आप ये लगाओगे डेल्टा एम इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, ठीक है, और आपके पास जो अदर प्रिज्म है जो कि थिन प्रिज्म नहीं है, थिक प्रिज्म अगर है तो म्यू का फॉर्मूला जो होगा म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाय टू एंड डिवाइड बाय साइन ए बाय टू, ओके।